निकला हुआ था। थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने उस अजीब सी चीज के सिरे को दबाया तो उसने देखा कि दीवारों से हजारों बेबी एंजल्स बाहर निकलने लगे, पर थोड़ी ही देर में वो सब वापस दीवार के अंदर चले गए, बस उनके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। अब उस आदमी को समझ आया कि ये अजीब सी दिखने वाली चीज असल में थी क्या। एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी के इस दौर को सीखना कहते हैं। उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वो आदमी अपनी उंगली सूंघने लगा। उसने खूब शोर मचाया कि अगर कोई आसपास हो तो उसकी मदद करे, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक के बाद एक अलग अलग बटन्स को दबाने लगा। हर एक बटन से नई नई चीजें कमरे में गिरने लगती, कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी एक बड़ा सा गुलदस्ता। उसने हिसाब लगाया कि एक बटन को दबाने से एक पर्टिकुलर चीज ही बाहर आती थी। उसने अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर चॉपस्टिक्स का ढेर लगा दिया, लेकिन अगले बटन को दबाते ही एक शॉपिंग कार्ट तेजी से निकला और जोर से उसके पैर पर लगा, जिसकी वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगा। जब उसने अगले बटन को दबाया तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चे के पिछवाड़े में बदल जाता है, जिसने उसके मुंह पे पात दिया। इसके बाद उसने अलग अलग बटनों को दबा दबा कर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर ली। जब वो एक बॉल से खेल रहा था तो वो जाकर एक बटन पर लगी, जिससे सुशी नाम की एक लजीज जापानी डिश बाहर आई। वो खुश था क्योंकि उसे वाकई में बहुत भूख लगी थी। वो सोच रहा था कि सुशी के साथ साथ सोया सॉस भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, पर उसके बार बार बटन दबाने के बाद भी हर बार सिर्फ सुशी ही निकलती, तो वो चुपचाप जो मिला है खाने लगा। खाना खत्म हो जाने के बाद जब उसने और मंगवाने के लिए फिर से बटन दबाया तो अब की बार सोया सॉस की एक बोतल उसके सामने आ गई। उसने गुस्से में बोतल को दूर फेंक दिया कि जब जरूरत थी तब तो आई नहीं। अगला बटन दबाने पर उसे 3D चश्मे मिले। चश्मे पहनकर उसे एक बेबी एंजल अपने बटन की तरफ इशारा करता हुआ दिखने लगा। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि मैंने तो कमरे का रहस्य सुलझा लिया है। लेकिन बटन दबाने पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया, जिसके आखिर में दीवार से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसने उसके मुंह पे पात दिया। थोड़े और बटन्स दबाने के बाद उसे एक किताब मिली जो उसे काफी मजेदार लगी। कुछ घंटों में उसने उसके 5 पार्ट पढ़ डाले, लेकिन जब उसने छठी किताब पढ़ने के लिए बटन दबाया तो 7वीं किताब बाहर आई। परेशान होकर उसने दूसरा बटन दबाया, लेकिन उसमें से भी 8वीं और 9वीं किताब ही निकली। किताब की चाह में उसने एक और बटन को दबाया, तभी उसे अपने पीछे एक दरवाजा दिखाई पड़ा। वो उसे देखकर बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार अब वो बाहर निकल सकता है, लेकिन अपनी इसी एक्साइटमेंट में वो यही भूल गया कि आखिर वो बटन था कौन सा। तो वो ऐसे ही कोई भी बटन दबाने लगा। पहला बटन दबाने से एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से दूसरी की तरफ भागते हुए गया। दूसरे वाले से उसके सर पर पानी गिरने लगा, लेकिन आखिरकार तीसरी बार में दरवाजा खुल गया। पर वो जैसे ही बटन को छोड़कर उस दरवाजे की तरफ जाने लगता, वो दरवाजा बंद हो जाता। कुछ देर ट्राई करने के बाद वो समझ गया कि जब तक बटन दबा रहेगा तभी तक दरवाजा खुला रहेगा। वो रनिंग पोजीशन लेकर उस बटन पर खड़ा हो गया ताकि जल्दी से दरवाजे तक पहुंच जाए, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचता दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद उसने बहुत से अतरंगी तरीके अपनाए, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। उसने शॉपिंग कार्ट पर बैठकर भी जल्दी से दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इसके बाद उसने अपना दिमाग लगाया और एक गुलदस्ता उस बटन पर रख दिया, लेकिन वो इतना भारी नहीं था कि उसे दबाए रख सके, तो अब उसे गुलदस्ते को भरना होगा। उसने पानी वाला बटन दबाकर उसमें पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा कहीं गिरता ही नहीं था। फिर उसने दिमाग लड़ाकर गुलदस्ते को सुशी से भर दिया। वो बड़ी मुश्किल से उसे वहां लेकर गया, लेकिन उसने गलती से वो गुलदस्ता एक दूसरे बटन पर रख दिया, जिसके बाद वो अफ्रीकन आदमी भागता हुआ आया और उससे टकराने की वजह से गुलदस्ता भी टूट गया। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा। उसने कुछ और छोटे मोटे पैंतरे लगाए, लेकिन दरवाजा हर बार उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता। फिर गलती से एक बटन दबाने पर एक रस्सी नीचे आई। उसने हिसाब लगाया कि रस्सी से झूलकर वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सकता है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब उसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पता चला कि इसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। वो दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ गया। जब उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तो एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन दरवाजे की ही तरह ये चाबी भी बटन छोड़ते ही थोड़ी देर बाद गायब हो जाती। अब उसे कोई तरीका निकालना होगा जल्दी से चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंचने का। लेकिन जब उसने चाबी वाला बटन फिर से दबाया तो दीवार में से कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगा। वो फिर से कंफ्यूज हो गया क्योंकि सारे बटन एक जैसे तो दिखते थे। इसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर उस पर सुशी का एक टुकड़ा रख दिया। एक दो बार फेल होने के बाद आखिरकार वो चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच ही गया। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। दरवाजे के ऊपर की तरफ एक नंबर वाला लॉक भी था। वो जल्दी से कमरे की तरफ गया, लेकिन बाहर निकलते हुए फिर से दीवार जोर से उसके पिछवाड़े पर लगी। उसने फ्रस्ट्रेशन में प्लंजर दूसरी तरफ फेंका और उसके एक बटन पर लगने से वो अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया। लेकिन अब की बार उसने नोटिस किया कि उस अफ्रीकन आदमी के सर पर 3 नंबर लिखे हुए थे, और शायद उसी नंबर से वो ताला खुलेगा, क्योंकि दीवार बार बार बंद हो जाती थी तो उसने 3 बार में वो ताला भी खोल दिया। दरवाजा थोड़ा जाम सा लग रहा था तो उसे थोड़ी एक्स्ट्रा जान लगानी पड़ी, और इतने में दीवार भी वापस नीचे चली गई। वहाँ पर इतनी जगह थी ही नहीं कि वो दरवाजे को पूरा खोल सके। वो हताश हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। उसे कमरे के अंदर का समय याद आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि कमरे में उसके पास कितना कुछ था। हाँ, वो बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जो चीजें उसके पास थी उसने समय रहते उनकी कदर नहीं की। अचानक अपनी बाईं ओर से उसे हवा का झोंका महसूस हुआ। वो उस नकली दीवार को खोलकर बाहर की तरफ भागा। वो पूरी जगह बिल्कुल एक जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही जगह पर भाग रहा हो। भागते भागते वो एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहां रोशनी थोड़ी कम थी। उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। कमरे में उस आदमी ने अलग अलग बटन दबाने शुरू कर दिए। किसी बटन से एक सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगी, तो किसी बटन से रशिया के एक जादूगर का जादू फेल हो गया। तीसरा बटन दबाने पर चाइना में एक आदमी अपने ही कुत्तों पर भौंकने लगा। उस आदमी ने देखा कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। इस बार उसके दिमाग में बहुत अलग चीज आई।
उसने बटन्स को दबाने की बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कामयाब रहा और हर बटन के दबने से दुनिया के अलग अलग कोनों में कमाल की चीजें होने लगी। कहीं फूल खिलते तो कहीं कोई हाथी फिसल जाता। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया तो कहीं टोस्ट बनने लगे तो कहीं इंसान चांद तक पहुंच गए। जब तक वो ऊपर पहुंचा उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो भी बाकी एंजल्स की तरह हवा में उड़ता जा रहा था। एक आवाज हमें बताती है कि उसने अब भगवान का दर्जा पा लिया है और अब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। आखिर तक आते आते उसके चारों ओर सफेद पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे तक ले गए। इस कमरे की दीवार पर पूरी धरती का नक्शा बना था और वहां अब तक का सबसे बड़ा बटन भी मौजूद था। वो उसे दबाने के लिए आगे बढ़ा और स्क्रीन काली हो गई।